आज हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम कल्पना की और बेसिक हार्डवेयर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिस्टम कल्पना की। जब हम कंप्यूटर को नॉर्मली जब कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर कम बोलते हैं और इसको सिस्टम ज्यादा सिस्टम शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है। हम कभी नहीं कहते कंप्यूटर ऑन कर लीजिए, कंप्यूटर ऑफ कर दीजिए। हमसे मतलब जब हम क्लासेस में होते हैं या लैब में होते हैं तब की बात करते हैं। हमसे मतलब जन सामान्य की बात नहीं करो। नॉर्मली व्यक्ति क्या बोलता है कि कंप्यूटर ऑन कर लीजिए, कंप्यूटर ऑफ कर दीजिए। लेकिन जब हम बोलते हैं कि सिस्टम ऑन कर लीजिए, सिस्टम ऑफ कर दीजिए। आखिर क्यों? तो सिस्टम एक सामान्य कंप्यूटर हो सकता है लेकिन एक सामान्य सिस्टम नहीं हो सकता। कैसे? यदि कोई कंप्यूटर है जिसको इसके अंदर मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, तो आप उसे कंप्यूटर कह सकते हैं। लेकिन वहां पर कोई यूजर नहीं है और हो सकता है कि उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो सिस्टम नहीं कहलाएगा, वो कंप्यूटर ही कहलाएगा। लेकिन सिस्टम तब पूरा होता है जब उसके अंदर सभी इकाइयां कंप्लीट रूप से काम कर रही हो। और सिस्टम जो है यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत सिस्टम का यदि हिंदी में हो जाए तो सिस्टम में होता है पद्धति। तो जब हम किसी पद्धति के अनुरूप कोई काम करते हैं वो कहलाता है पद्धति अनुसरण या सिस्टमेटिक। कहते हैं कि सिस्टमेटिक काम कीजिए, सिस्टमेटिक कीजिए यानी उसके अंदर कई हैं, कई यूनिट्स हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। उनमें से यदि कोई भी एक को छोड़ दिया जाए तो उसके अभाव में वह पूरा नहीं हो पाता। तो उसी प्रकार हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो तीन यूनिट से मिलकर बना है। और उन तीन यूनिट में आता है हार्डवेयर, दूसरा आता है सॉफ्टवेयर और तीसरा आता है यूजर। यूजर को भी आप पहले कर सकते हो, आगे पीछे कहीं भी इनको लगा सकते हो। लेकिन ये तीनों यूनिट मिला करके एक सिस्टम पूरा करती है। सबसे पहले हम हार्डवेयर को समझें। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में कहा गया, कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें देखा छुआ जा सके कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। फिजिकली डिवाइसेस सब हार्डवेयर है। यदि इसकी व्यवस्थित परिभाषा पे जाएं, तो कंप्यूटर के वे हार्डवेयर पार्ट जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की उपस्थिति में यूजर के लिए निर्देश की सुविधा प्रदान करते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में कहा गया कि प्रोग्रामों का सेट सॉफ्टवेयर है, यानी कई प्रोग्राम मिलाकर के एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। सही परिभाषा में जाए तो प्रोग्रामों का ऐसा सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर तंत्र को एग्जीक्यूट कर यूजर के लिए निर्देश की सुविधा प्रदान करता हो क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर। यानी यहां पर ये तीनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड है, और ये दोनों आपस में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते हैं, इसके लिए यूजर की आवश्यकता है। जैसे मेरे पास एक कंप्लीट सिस्टम है, पूरा हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका है, उसके अंतर्गत कीबोर्ड है, माउस है, इनपुट डिवाइस है, सीपीयू है, लेकिन वो तब तक कोई काम नहीं करेगा जब तक कि उसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों है लेकिन मुझे चलाना नहीं आता, तो वो एक कंप्लीट सिस्टम यूनिट नहीं कहलाएगा। यानी उसमें कहीं ना कहीं किन्हीं चीजों की कमी है, कहीं ना कहीं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। और यदि तीनों है, मेरे पास हार्डवेयर भी है, उसमें सॉफ्टवेयर भी डले हैं और उसके मैं यूजर भी हूं, तो ये यूनिट कहलाएगी हमारी सिस्टम। और तभी हम अधिकतर हम उसे सिस्टम बोलते हैं क्योंकि हमें उसे चलाना भी आता है और उसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी है। यदि यहां पर किसी भी एक चीज को हटा दें यानी ये यूनिट कंप्लीट नहीं होगी। अब हम इनको आगे बढ़ाएं तो ये तीनों मिलाकर के बनाते हैं सिस्टम। और इसीलिए हम कंप्यूटर कम यूज करते हैं कंप्यूटर शब्द, और उसके लिए अधिकतर जो शब्द यूज करते हैं वो है सिस्टम, जो सिस्टम ऑफ शब्द से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि पद्धति अनुसार अनुसरण हमारा कहलाता है सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंतर्गत हार्डवेयर का वर्गीकरण नहीं किया गया। लो लेवल के हार्डवेयर, ऐसे हार्डवेयर के अंतर्गत कई चीजें आती हैं, उसका सीपीयू, उसका मदरबोर्ड, रैम, रोम, मॉनिटर, कीबोर्ड, लेकिन हार्डवेयर में ये सब आ जाते हैं, उनके डिटेल्स पार्ट्स आते हैं हार्डवेयर के। लेकिन उसमें वर्गीकरण नहीं है कि लो लेवल के हार्डवेयर और हाई लेवल के हार्डवेयर, क्योंकि लो लेवल का
मतलब यदि हार्डवेयर है तो भी वो एग्जीक्यूशन की प्रोसेस को पूरा कर रहा है, सिस्टम की प्रोसेस को पूरा कर रहा है, इसलिए इसका वर्गीकरण नहीं किया गया। यूजर में सामान्य यूजर हो सकते हैं और हाई लेवल के यूजर हो सकते हैं, जैसे जिसका वर्ग है, जो जिस प्रकार का काम करता है वो यूजर उस पैटर्न में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिस्टम इकाई को पूरा कर रहा है, इसलिए उसे वर्गीकृत नहीं किया गया, लेकिन सॉफ्टवेयर को बांटा गया है। और सॉफ्टवेयर को मूल रूप से देखा जाए तो तीन भागों में बांटा गया। हम पहले दो भाग की बात करते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करने का काम करेंगे, यानी ये हार्डवेयर पार्ट्स अपने आप में कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। वो कैसे काम करेंगे, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। यानी यदि आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि आप जो है कि उस हार्डवेयर पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कहा गया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करने का काम करते हैं वो कहलाते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। उदाहरण के रूप में कहा गया ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कई ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस, विंडोज, लिनक्स, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कहा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की उपस्थिति में यूजर के लिए यानी निर्देश सीधा प्लान करते हैं। निर्देश एग्जीक्यूशन में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी देगा, एग्जीक्यूट ये करेगा और यूजर से कमांड लेकर ऑपरेट करेगा, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अतिरिक्त कार्य हमें प्रोवाइड करवाते हैं, वो हमारे कहलाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बारे में कहा गया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसकी उपस्थिति में, सिस्टम सॉफ्टवेयर की उपस्थिति में यूजर के लिए अतिरिक्त निर्देश की सुविधा प्रदान करते हो, वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब क्या है, हार्डवेयर एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब हार्डवेयर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो सीधी सी बात है अगली आप नए टास्क का परफॉर्म नहीं करा सकते, तो उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, यानी ये अपने आप में कोई एग्जीक्यूशन कोई प्रोसेस नहीं कर सकते, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं और अतिरिक्त सुविधा प्रदान करते हैं यूजर के लिए। जैसे एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के अंदर हम वर्ड पढ़ते हैं, एक्सेल पढ़ते हैं, पावर पॉइंट पढ़ते हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके चलाते हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला आता है इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की क्या उपयोगिता है और किन्हें कहा जाता है। अब यहाँ पर हम पहले चले सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करते हैं। यानी आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, दूसरा अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति किसने कर दी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने, तो फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की क्या उपयोगिता। यदि इसमें डिटेल हम समझे तो यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको ना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं, ना ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कहा कि जो भी सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करता हो, क्या कहलाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अब यहाँ पर जो भी करता हो, यानी जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, वो ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को एग्जीक्यूट नहीं करते। नहीं करते मतलब कि इसके अंतर्गत तो उनको हम रख ही नहीं सकते, यानी इसके अंतर्गत वही सॉफ्टवेयर आएंगे जो कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करते हैं। इस कैटेगरी से हमने उन सॉफ्टवेयर को बाहर कर दिया, एक सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी को, यूटिलिटी क्यों कहा गया उसके आगे। दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ये कहा गया कि ऐसे सभी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की उपस्थिति में कार्य करते हैं। तो क्या ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसकी उपस्थिति में कार्य नहीं करें, ये बिल्कुल इसकी उपस्थिति में कार्य करते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बने कहां, और यदि इनमें कोई समस्या आ गई, कोई डैमेज हो गया, कोई फाइल से करप्ट हो गई, तो इनको रिकवर कौन करेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर जो इनको रिकवर करने का काम करते हैं, इनको बनाने का काम करते हैं, उन सॉफ्टवेयर क्योंकि इनके जन्मदाता भी होते हैं, ये बने कहां,
ये डायरेक्टली तो आने गए, तो जिस एप्लीकेशन पे बने वो एप्लीकेशन कहलाएंगे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। तो उनको एप्लीकेशन में क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसकी उपस्थिति में, तो इसकी उपस्थिति में कार्य करते हैं लेकिन इनके जरूरदाता भी होते हैं, इनके ऊपर प्रॉपर डिपेंड नहीं होते हैं। जबकि एप्लीकेशन के बारे में कहा गया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की उपस्थिति में कार्य करते हैं, यानी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को ठीक करने का काम करते हैं। यानी क्या, इनके ऊपर डिपेंड, प्रॉपर डिपेंड नहीं है, यानी इनको सही करने का, ठीक करने का काम भी करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को ना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर में रखा गया, ना ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रखा गया, उनको रखा गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कई आते हैं, जैसे कंपाइलर को भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर रखा गया, इंटरप्रेटर को भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में के अंदर रखा गया है। इसी प्रकार वे और जो एप्लीकेशन होते हैं वो सब भी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखे गए। अब जो हम आगे बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस पढ़ेंगे पहले, फिर विंडोज, फिर हम लिनक्स पर जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको कंप्यूटर का जो बेसिक का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डायग्राम बनाने बताया था, आज हम उसके हार्डवेयर पार्ट की भी कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक सिस्टम का बनाने था कि कैसे काम करता है और क्या कहना है, आप किस प्रकार से, यानी कोई चीज नहीं है तो आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर या करना है कि कंप्यूटर के अंतर्गत तीन चीजें होती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। इनमें से कोई सी एक चीज नहीं है तो वो सिस्टम कार्य प्रणाली के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी वो कंप्लीट सिस्टम यूनिट नहीं है। चलिए अगला दूसरा टॉपिक हमारा था कंप्यूटर हार्डवेयर। तो बेसिक हार्डवेयर में आपको बता देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है मदरबोर्ड, तो इस बोर्ड को भी जान लेना आवश्यक है। इसके अंतर्गत इसके भी सभी पार्ट की के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये हमारा है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, दूसरा ये रैम स्लॉट है जहाँ पर हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को लगाते हैं, ये हमारे पीसीआई स्लॉट है, पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस है जहाँ पर हम एक्स्ट्रा पोर्ट लगाते हैं। जैसे मेरे पास जो मदरबोर्ड है इसमें कुछ ही पोर्ट है इसमें मिलेंगे, जैसे कीबोर्ड का पोर्ट इसमें है, माउस का पोर्ट है, यूएसबी इसमें दे रखा है, प्रिंटर और वीजीए पोर्ट इसमें दे रखा है, साउंड पोर्ट इसमें दे रखे हैं। लेकिन मुझे यदि इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट चलाने के लिए यहाँ पर कोई लैन पोर्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं लैन कार्ड इसमें लगाता हूँ, तो मैं एक लैन कार्ड ला करके इस पर अटैच करता हूँ, तो ये पैरेलल कम्युनिकेशन देता है, इसीलिए इसको कहा गया पीसीआई पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस। ये सीपीयू जो है इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं और इसकी स्थिति में मैं बताऊंगा आगे हम अगले सेक्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक हम मदरबोर्ड को देख रहे हैं। अगले वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, डिटेल से इसको पढ़ेंगे। मदरबोर्ड के अंतर्गत ये पावर सप्लाई पोर्ट है जहाँ पर हम पावर पिन अटैच करते हैं, और ये आईडी पोर्ट्स हैं। इसके साथ ही साथ जिसकी हम बात कर रहे थे, ये हमने रैम पोर्ट देख लिया, और इसी पर ये मेरे पास रैम है, इसको रिमूव किया जा सकता है। ये मेरे पास एचडी रैम है, इसके लॉग पैटर्न से पता चल जाता है, दूसरा रैम के ऊपर लिखा भी होता है जिससे आप पढ़ करके पहचान कर सकते हैं कि कौन सी रैम है। तो इस रैम को लगाने का तरीका भी है कि आप इसको नॉर्मली इस प्रकार से अटैच करें और इसको लॉक कर दीजिए, ये लॉक इसमें दे रखे, दोनों लॉक करके जब भी रिमूव भी करना हो, क्योंकि अधिकतर समस्याएं रैम में आती है, यहाँ पर डस्ट जमा हो जाता है जिसके कारण डिस्प्ले नहीं आता है। तो जब भी ऐसी कोई समस्या आ रही है, जैसे बीप की आवाज आती है, नॉर्मली सिस्टम चला रहे थे, चलाते चलाते आपको लगा कि सिस्टम में बीप की आवाज आ रही है, तो आप सिस्टम को ओपन कीजिए और रैम को निकाल करके, लॉक है इनको निकाल करके उसका डस्ट साफ कर दीजिए। ये जो समस्या है डिस्प्ले ना आने की, मान के चलिए कि 75% खत्म हो जाएगा, यानी डिस्प्ले आ जाएगा। इसके अलावा नहीं आ रहा तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली यदि सिस्टम चल रहा था, आज चलाया आपने, कल दोबारा आपने चलाया और नहीं डिस्प्ले नहीं आ रहा क्योंकि आवाज आ रही है, तो मूलतः हो सकता है कि उसमें डस्ट आया रैम में, आप उसको साफ कर लीजिए। इसके बाद हम रैम की बात हमने की, रैंडम एक्सेस मेमोरी हमने डिटेल से समझा था कि किस प्रकार ये काम करती है, यानी यहाँ से सीपीयू निर्देशित करता है हार्ड डिस्क, जो कि हमारे पास रैम केबल से जुड़ी हुई है, हार्ड डिस्क के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से डेटा आ जाता है रैम में, ये वही मेमोरी होती है जो किसी भी प्रोसेस को
पास करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ समय के लिए एड्रेस देती है, वहां पर प्रोसेस बैठती है और फिर एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर के पास पहुंच जाती है। ये छोटा सा चिप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा सीपीयू कहलाता है। और यहाँ पर अधिकतर लोगों को रैम तो मिल जाता है, लेकिन रोम की बात करते हैं, बायोस की बात करते हैं, रैम जिसे हम बात बोले तो रैम जो है, सॉरी रैम तो हो गया, रोम की यदि बात करें तो रोम ये छोटा सा चिप यहाँ पर लगा हुआ है। और इस रोम में मैंने आपको बताया था कि डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए, डेटा को स्टोर रखने के लिए एक कुछ पावर की आवश्यकता होती है, तो इसको पावर देने के लिए सीमोस बैटरी यहाँ पर लगा गया है। सीमोस बैटरी यानी सीमोस यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये इसको पावर देता है जिससे जैसे हमारे डेड टाइम है या हमारी जो प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी है उनकी सेटिंग की, बूटिंग के समय हमें किसे सेट करना है, सेकेंडरी तौर पर डेटा बूटिंग में कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, कौन कौन सी फाइलें हैं, इसके अलावा कौन कौन सी डिवाइसेस लगी हैं, कीबोर्ड कौन सा है, माउस कौन सा है, तो ये सारी इंटरनल जितनी भी सेटिंग हार्डवेयर संबंधी सेटिंग्स होती हैं वो सब इसके अंदर सेव होती है। तो उस डेटा को सेव करने के लिए पावर, कुछ पावर की आवश्यकता रखती है ताकि दोबारा जब हम सिस्टम बंद कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं, तब भी आपने देखा होगा दोबारा दूसरे दिन हमें डेट न्यू मिलता है, तो ये पावर देकर के ही इसको एक्टिवेट रखा जाता है। इसका डेटा खत्म तो नहीं होता लेकिन जो वैल्यू है वो रीसेट हो जाती है, तो रीसेट न होने के लिए इस बैटरी का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी डिवाइसेस लगे हुए हैं, हम एक बाद एक इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, हार्ड डिस्क के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये बेसिक पार्ट मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगी किस प्रकार से काम होता है, क्योंकि हमने जो डायग्राम संरचना हमने इंटरनल पार्ट्स की बताई थी उसके अंतर्गत इनपुट डिवाइस था, आउटपुट था, तो इनपुट के अंतर्गत कीबोर्ड माउस से हम यहाँ पर पोर्ट लगाएंगे जिसके माध्यम से डेटा इनपुट होगा जो जाता है सीपीयू के पास से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू में यहाँ पर डेटा लेने देने का काम जो कर रहा होता है टेम्पररी रूप से फाइलों को रखने काम कर रहा होता है वो है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इस सीपीयू के अंतर्गत ही आपको एलयू और सीयूएस से बाहर इन बारे में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो सीपीयू के ही भाग होते हैं। एलयू और सीयू, सीयू में मैंने बताया था आपको कंट्रोल यूनिट और एलयू ने अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके बाद आउटपुट में वीसीए पोर्ट यहाँ पर है जिसके माध्यम से आउटपुट को हमें डेटा मिल जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके अंदर किस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है और किस प्रकार से क्या क्या सावधानियां आपको रखना है और जो है कि कहाँ कहाँ समस्या आ सकती है और सिस्टम को आप सेफ रखने के लिए, जो कि अधिकतर लोगों का ये रहता है कि वो कहीं ना कहीं को डर बना रहता है कि सिस्टम खराब नहीं हो जाए, कंप्यूटर खराब नहीं हो जाए, तो कुछ सावधानियां हैं वो यदि आपको बनाए रखते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका सिस्टम सालों साल कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ कुछ ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा है, पावर अचानक से बहुत ज़्यादा वोल्टेज आपके घर में आ गया है तो एक बात अलग है, हालांकि मूल रूप से तब भी आपका बोर्ड खराब नहीं होता है, बोर्ड के खराब होने की दूसरे और भी रीज़न है, लेकिन एक रीज़न ये पावर का रहता है, लेकिन प्राइमरी तौर पर ऐसे पीएस पे जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मैं आपको पूरे हार्डवेयर पार्ट्स को अभी सिर्फ मैं मदरबोर्ड को आपके सामने प्रस्तुत किया है क्योंकि सिर्फ मुझे स्ट्रक्चर बताना था उसका। अब दूसरे चैप्टर के अंतर्गत पूरे कंप्लीट हार्डवेयर को हम समझेंगे, कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट्स हैं, कैसे वो काम करते हैं, कहाँ कहाँ समस्या आती है और यहाँ तक कि कीबोर्ड माउस को किस प्रकार से अटैच करें और कंप्यूटर कैसे बनाएं, तो वो हमारा वीडियो रहेगा वो कंप्यूटर बनाएं और उस कंप्यूटर के अंतर्गत हम सभी पार्ट्स देखें, इसके बाद हम डॉस को स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्राइमरी तौर पर हमें हार्डवेयर के बारे में प्रॉपर जान लेना अत्यंत आवश्यक है ताकि जो हम कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां हमसे नहीं होंगी, हमारा सिस्टम रेगुलरली चलता रहेगा। लेकिन इन सब के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड करें, फेसबुक और सोशल साइटों पर आप सेंड करें जिससे हमारा सब्सक्रिप्शन होगा और वही हमारे लिए सब कुछ है, आप लोग हमारे वीडियो रेगुलरली देखते रहें।